रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। फाइटर प्लेन दुर्घटना में लखनऊ के एयर कमोडोर की मौत। गांव वालों को बचाने के लिए दी जान। गुजरात के कच्छ जिले में वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर मंगलवार को उड़ान भरने के तत्काल बाद बारजा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सुबह करीब 10:30 बजे हुए हादसे में विमान उड़ा रहे एयरफोर्स स्टेशन जामनगर के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कमोडोर संजय चौहान 50 की मौत हो गई। संजय लखनऊ के इंदिरा नगर के रहने वाले थे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी घटना पर रक्षा प्रवक्ता ले कर्नल मनीष ओझा का कहना है, जगुआर विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। संजय चौहान को 17 तरह के विमान उड़ाने का था अनुभव। संजय को जगुआर, मिगी 21, हंटर, बोइंग 737 समेत 17 तरह के विमानों को उड़ाने का अनुभव था। उन्हें राफेल, ग्रिपेन और यूरोफाइटर जैसे अत्याधुनिक विदेशी फाइटर प्लेन उड़ाने का भी अनुभव था। वे 16 दिसंबर 1989 में भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड हुए थे। 26 जनवरी 2010 को वायुसेना मेडल से सम्मानित 50 वर्षीय चौहान बेहतरीन पायलट थे। उन्हें 3,800 घंटे से अधिक का सेवा उड़ान का अनुभव था। जल्द लौटूंगा माँ कहकर निकले लखनऊ से, आई तो मौत की खबर। इंदिरा नगर बी ब्लॉक में भूतनाथ मार्केट के पास रहने वाले संजय चौहान के पिता एनएस चौहान सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं। मां सरला चौहान हाउसवाइफ हैं। वे अपनी पत्नी अंजलि व बेटे यशवीर सिंह चौहान के साथ जामनगर में ही रहते थे। यशवीर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उनकी पड़ोसी अजरा ने बताया कि संजय 4 दिन पहले शनिवार को लखनऊ आए थे। माता पिता के साथ एक दिन बिताने के बाद रविवार को लौट गए। माँ से कहकर गए थे कि अब की जल्दी लौटूंगा, पर उनकी मौत की खबर आई। घर पहुंची वायुसेना के अफसरों की टीम ने जब उनकी माँ को बेटे की मौत की सूचना दी तो बेसुध हो गईं। वायुसेना के अफसर उन्हें अपने साथ ले गए हैं।